Hey guys, welcome back to our YouTube channel, RDZ. तो हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ अमेजिंग मतलब मजेदार एक्सपेरिमेंट लाए हैं आप लोगों के लिए। तो इस बार का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा एक कैमरा, ठीक है। तो पहले दिखा देते हैं, एक सिंपल सा कैमरा है। सिंपल कैमरा मतलब ये बहुत पुराना कैमरा है, तो मतलब हमारे पापा का था। तो मैंने सडनली देखा कि तो घर में एक कैमरा है, तो हम तो थोड़े ऊपर नीचे करने वाले आदमी है। तो आज जो है हमारा जो कंटेंट होगा इसको खोलेंगे, इसके अंदर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता या फिर कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो है कैमरा बहुत बहुत पुराना है, लगभग 25 या फिर 30 इयर्स हो चुके होंगे इससे मतलब बनाए हुए, ठीक है। तो मतलब 30 या 25 साल हो चुका होगा इसे एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो तब से मेरे पापा के पास था पड़ा हुआ। तो अभी जो है इसे खोलेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। जैसे कि आप लोगों को भी कभी कभी ऐसा इच्छा होता होगा कि कैमरा के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी तो मतलब ऐसे स्मार्टफोन वगैरह हो गए हैं जिसमें कैमरा है, तो इससे हम फोटो ले सकते हैं। तो इनका कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये 30 साल का पहले का मॉडल है और ये 30 साल का बाद, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं काम। तो पहले जो ऐसे छोटा सा ये देखो, ये कुछ फंक्शन वगैरह है, कैमरा को ढकना खोलना, ठीक है। और कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी बैटरी लग, ये देखो यहाँ पे जो है बैटरी घुसता है, ठीक है, ये इस सेक्शन पे। और बाकी एक चीज़ है यहाँ पे, ये कैमरा जो है रोल से मतलब पिक्चर जो है इसमें रोल में आते हैं, तो यहाँ पे जो है मेन वाला रोल लगता है और यहाँ से यहाँ होके घुसता है, ठीक है। और पिक्चर जो है वो यहाँ इस पार्ट में जो है कैप्चर होता है, ठीक है। तो अभी इसे खोलना का काम करते हैं स्टार्ट। टेस्ट सर्किट जो है दिखना चालू हो चुका है, ठीक है। तो और खोलते रहते हैं क्या क्या मिलता है। ऊपर वाला जो फ्रेम है ये खुल चुका है, तो गाइस यहाँ पे देखो भाई सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है यार, मतलब 30 साल का पहले का मॉडल है फिर भी इतना हाईटेक, वाह। तो ये है हमारा सिंपल सा स्विच जिससे हम मतलब फोटो वगैरह खींच सकते हैं, ठीक है। ये है कैमरा, मतलब कैमरा नहीं, कैमरे का लेंस। यहाँ से हम जो है जिस मतलब इस कैमरा से जो भी चीज़ें देखेंगे ना, हम इस कैमरा से जो भी चीज़ें देखेंगे वहाँ ये जो है यहाँ पे शो होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये रहा फ्लैश, मतलब ये देखो नीचे छोटा सा लाइट, ठीक है। तो और देखते हैं क्या इसके अंदर, ये कैसे बोलेंगे कहाँ से के। तो पूरा सिस्टम हो चुका है, एक छोटा सा ना, ओके। तो गाइस ये जो है विदाउट फ्रेम वाला कैमरा है, ठीक है। जो मेन कैमरा है यही है, ये देखो हाँ साहब क्या ही कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है इनका। तो ये जो कैमरा है ना, ये मेन कैमरा है, यहाँ पे जो फोटो कैप्चर होता है ना वो यहाँ पे शो होता है इस लेंस में। और ये है लाइट, चलो यहाँ पे ग्लूगन का इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है। चलो गाइस कुछ चीज़ें तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम खोलने का प्रोसेस जारी रखते हैं। तो ये है गाइस कैमरे का लेंस, ठीक है। और ये जो है जिसमें कैमरा कैप्चर होता है, ठीक है। जब यहाँ पे जो स्विच था ना, यहाँ पे जो क्लिक करते हैं, कहाँ गया स्विच, ये वाला, ठीक है। ये जब हम क्लिक करते हैं ना तो ये जो इस तरह से होते हैं, ठीक है। इस तरह से होने के बाद यहाँ पे जो फोटो कैप्चर होता है और ये कैप्चर फोटो यहाँ पे प्रिंट होता है, यहाँ पे जो मतलब वो रोल होता है ना वो रोल में प्रिंट होता है, ठीक है। प्रिंट होके यहाँ पे जाके सेव होता है, मतलब इस साइड से इस साइड रोल जाता रहता है और यहाँ पे मतलब इस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ रोल जाता है, यहाँ पे फोटो कैप्चर होके यहाँ पे सेव होता है। तो जो है कैमरा, चलो उसके बाद सर्किट, जो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता मुझे। ये सब यहाँ पे भी मोटर है यार, क्या ये तो मस्त कनेक्शन है इन लोगों का।
ये मस्त प्लस और माइनस का कनेक्शन है जहाँ पे पावर सप्लाई होता है इस पूरे सर्किट को। यहाँ पे लगभग जो खुल चुका है कैमरा, ठीक है। तो ये जो है लेंस है हमारा, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कैमरा जो फोटो कैप्चर करता है ना वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा लेंस है, यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कैमरा जो फोटो कैप्चर करता है वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो बक्से को ले लो, चलो बोल जहाँ मतलब ये इस तरह से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोल घूमता है सेव होता है। चलो अब ये लास्ट होना चाहिए आई थिंक, ट्रिगर टाइप का लग रहा है, इससे हम फोटो वगैरह खींच सकते हैं। ये है कुछ खुल चुका है गाइस, ऐसा देखो क्या से क्या हो गई भाई, पूरा कैमरा खोल चुका हूँ, सिर्फ ये वाला नॉट बाकी है, ठीक है। इसे नहीं खोलेंगे, इसे कुछ पता नहीं है, चलो जाने लो। ये है मेन सर्किट, ठीक है भाई साहब, कुछ सच्चे में बोलो तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाला पार्ट मुझे याद है कि ये कैमरे का है, स्टार्टिंग में बोला था ना मैंने। तो इस मतलब हाँ ये बैटरी है, इतना तो पता है मुझे। चलो यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए बैटरी, ट्रांसफार्मर समथिंग, एम्पलीफायर वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। सो गाइस यही था, इसके आगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो मतलब कमेंट वगैरह कर देना। तो सिंपली हमने देखा कि एक कैमरा के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और मतलब ये 30 साल पुराना कैमरा है तो इसमें अंदर जो फैसिलिटी या फिर जो सिस्टम वगैरह है शायद आज के कैमरा में ना हो, ठीक है। तो ये था गाइस आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लवली सा कमेंट दे देना।